और मैंने हाई स्कूल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा पंद्रहपाला पिथौरागढ़ उत्तराखंड से किया हुआ है। उसके बाद इंटर मैंने GIC इंटर कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश से किया हुआ है। उसके बाद BSc मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी कानपुर से किया हुआ है। और उसके बाद मैंने MA हिस्ट्री से किया हुआ है, कानपुर यूनिवर्सिटी कानपुर से किया हुआ है। BEd भी कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है, नेट UGC से किया हुआ है। और इससे पहले मैं 2 साल पोस्टेड था सर कश्मीर राजौरी में, जवाहर नवोदय विद्यालय राजौरी में PGT हिस्ट्री के रूप में पोस्टेड था। और वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फर्रुखाबाद में पोस्टेड हूँ UP सरकार के अंतर्गत। कोई इंटरेस्ट हॉबी भी है आपकी? जी सर, क्रिकेट और ट्रेवलिंग। तो इतना बढ़िया स्कॉलर रहे हैं आप, आपने बहुत पढ़ाई की। आपको नहीं थैंक लगता PCS में अभी आपसे पहले जो लड़का आया यू जी था जी वो सर केवल ग्रेजुएट था जी सर और क्वालिफिकेशन भी केवल ग्रेजुएट है? जी ऐसा नहीं लगता आप ओवर क्वालिफाइड है? नहीं सर, मैंने शुरुआत जब से की इसी की तैयारी कर रहा था। लगातार मैंने इंटरव्यू फेस किए और मेंस में कुछ मार्क्स कम रहने की वजह से मुझे वांछित सफलता नहीं मिली। तो एक करियर ऑप्शन के तहत मैंने ये किया हुआ था और इसमें मैं जॉब के साथ संतुष्ट भी हूँ। अगर बेहतर मिलेगा तो मैं जाऊँगा अपने जॉब के अच्छा, साथ न्याय। कश्मीर में जब आप थे नवोदय में जी उस समय आपकी ग्रेड पे क्या थी? सर, मेरी 4800 थी 4800। जी। और अभी GIC में अभी जो मैं प्रोफेसर हूँ तो मेरी ग्रेड पे 6000 है 6000 है। जी सर। अच्छा, तो क्यों चेंज किया नवोदय को? आप जानते हैं नवोदय जब लॉन्च हुआ था जी। तो प्रतिभाओं को, जो ग्रामीण प्रतिभा है उनको लाकर और एक अच्छी एजुकेशन देने के उद्देश्य लाया गया था, जी और बड़ा अच्छा उन्होंने किया। और आप कश्मीर में थे तो जी जी सर एक बेहतर शिक्षा जहां बहुत जरूरत थी वहां दे रहे थे। जी सर क्यों चेंज किया आपने? सर, नवोदय वास्तव में बहुत अच्छा संस्थान है और बहुत से प्रतिभाओं को उसने निकाला भी है। मैंने भी उसमें योगदान दिया, मेरा 2 साल का रिजल्ट भी अचीवर में रहा। लेकिन सर, चूंकि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और रुचि होती है कि वो अपने से बेहतर कर सकें, तो मैं चूंकि इंटर कॉलेज में था और मुझे ऑप्शन मिला कि मैं डिग्री कॉलेज में जाकर के उससे कुछ बेहतर इतिहास में कर सकता हूँ, अपने छात्रों के लिए कर सकता हूँ, तो मैंने सर उसको किट किया। लेकिन नवोदय अभी भी बेहतर कर बहुत रहा है। बढ़िया। अच्छा, कश्मीर कब थे आप रजौरी सर, में? मेरी ज्वाइनिंग 21 नवंबर 2019 से, मैं 11 जुलाई 2021 तक रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब आप अनुच्छेद 370 की जी समाप्ति जी के बाद हाँ, थे। जस्ट 2 महीने बाद मैं गया था सर वहाँ। आप गए होंगे तो कई बार वहां के बच्चों से जुड़ा हो, वहां के बिल्कुल लोकल पब्लिक से जुड़ा हो। क्या जी जी सर लगता है 2 पॉइंट में, जी सर अनुच्छेद 370 के रहते वाला कश्मीर जी और इसी समाप्ति के कश्मीर में क्या अंतर लोगों ने, वहां के छात्रों, जो भी जुड़ाव होता हो जी जी उनसे जी किस स्तर पे बताया, पॉजिटिव और या निगेटिव? हाँ सर, देखा जाए तो वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट से मेरा जुड़ाव रहा तो अधिकांश लोगों ने इसको लेकर पॉजिटिव ही बिहेव किया। एक तो लोगों ने कहा कि जो पहले हमें मतलब जो सरकारें आता था पैसा खास तौर से यहाँ से भेजती थी, तो वो प्रॉपर जम्मू को नहीं मिलता था, राजौरी को नहीं मिलता था, श्रीनगर वैली में ही एक दो जो मुख्यमंत्री वगैरह थे उन पर था, अभी मिल रहा था। दूसरा, सेंट्रल की जो स्कीम्स होती थी उसका पर्याप्त मात्रा में लागू नहीं हो पा रहा था। अभी वो पूरी तरह से लागू होता है और उसका फायदा उनको चाहे नवोदय के माध्यम से मिल रहा हो, केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से मिल रहा हो, या उज्ज्वला स्कीम्स के माध्यम से मिल रहा हो, या जो केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं शिक्षा के माध्यम से, नई शिक्षा नीति या उस पर मिल रहा है। टारगेट किलिंग जी सर बहुत बड़ा, और आप चूंकि यहां से गए, आप दूसरे संप्रदाय से हैं और इस जी तरह की बातें, डर नहीं लगता? हाँ सर, नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। क्योंकि मैं जब गया था यहाँ से तो धारा हटने के 2 महीने बाद गया, तो जाने से पहले मेरे मन में भी फीलिंग थी कि कश्मीर और जहाँ जा रहा हूँ राजौरी, वो मेरा कैंपस भी बॉर्डर से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर था, तो मन में बहुत था, एक मैंने मैंने सोचा। लेकिन जब वहाँ गया सर तो ऐसा कोई फील नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय सेना के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त मात्रा वहाँ पर रहती। कैंपस में BSF भी थी, मेरे आर्मी भी थी, तो हम लोग मार्केट में भी घूमते थे वहाँ, तो मतलब ऐसी कोई इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग सर मुझे नहीं दिखी 2 साल में। आपने इतिहास ना केवल पढ़ा बल्कि पढ़ा रहे हैं, जी। तो इतिहास को लेकर कश्मीर के इतिहास की अगर बात जी करें, भारत में कश्मीर का जी इतिहास, जी तो क्या हमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के साथ आप बता सकते हैं एक एक कालखंड कि जी कश्मीर कहाँ दिखता है और भारतीयता के साथ उसका जुड़ाव कैसे रहा? सर, कश्मीर का जो प्राचीनतम इतिहास की अगर हम बात करें तो कश्यप ऋषि के से शुरू करेंगे, जो कि कश्मीर को बसाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कश्यप ऋषि के माँ से वो कश्मीर, फिर श्रीनगर और शंकराचार्य जी के माध्यम से हम श्रीनगर में जो अभी भी मंदिर है, हालांकि इतिहास लेखन के माध्यम से वो कश्मीर का जो वास्तविक पाठ हमारे सामने आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाया है। मध्यकाल में भी जो हमारे राजा रहे, जैसे लालदेह की बात, सॉरी सर लालदेह की बात नहीं कर रहा हूँ, राजा की बात करूँगा, तो पहले जो प्राचीन काल में जिन्होंने सूर्य मंदिर बनवाया, उनका नाम मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा अभी सर, ललितादित्य, ललितादित्य मार, वो उनका इतिहास भी हमारे इतिहास में मतलब बहुत बड़ी मात्रा में नहीं। उसके बाद जैसे मध्यकाल में आते हैं तो अबादीन, और जो जिनको हम कश्मीर का
अकबर भी कहते हैं, वो उसके बाद कुछ सूफी संत, और फिर आधुनिक भारत में राजौरी में जहाँ पर मैं था पोस्टेड, वहाँ पर बंदा बहादुर जी का जन्म भी राजौरी में ही हुआ। राजौरी में ही जहांगीर का एक फोर्ट है जहाँ पर उनकी बताते हैं कि आंत जो वो दफन की गई थी जब वो नूरजहाँ जहांगीर जी को कश्मीर से लेकर के आगरा आ रहे थे, जब वो गद्दी के समय जब यहाँ पर शाहजहाँ ने विद्रोह किया था उस वक्त, ऐसा बताते हैं वहाँ पर। मैंने पढ़ा भी वहाँ के किले पर, मैं गया भी, लेकिन अभी भी सर आवश्यकता है इस बात की कि इतिहास कश्मीर का एक बार रिराइट किया जाए, ताकि जो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं वहाँ पर लोकल, बहुत ज़्यादा इतिहास है उस पर बहुत देखिए, ज़्यादा। मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जी जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है नेट जी जेआरएफ है, और एक जी अच्छे लेवल डिग्री कॉलेज जी में भी वो लेक्चरर भी, जी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। इतिहास में जी कहा जाता है कि ये किसने कहा था जी कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य भी खराब करता है और वर्तमान भी उसका अनिश्चित रहता है। अंबेडकर साहब ने कहा था कि अतीत जो नहीं जानता उसका भविष्य भी सही नहीं होता। जी क्या आप इससे सहमत हैं उनके तर्क से कि जो हाँ अपना इतिहास नहीं जानता वो अतीत तो नहीं ही जानता, अपना भविष्य भी अनिश्चित करता है? सर, निश्चित रूप से इतिहास का ये कथन देखा जाए तो बहुत हद तक सही होता है, क्योंकि हमें अपने अतीत को जानना चाहिए, और अतीत में हमने क्या पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें की वो हमें भविष्य के लिए प्रेरणादायी होती हैं, और अतीत में हमने क्या कुछ नकारात्मक ऐसे निगेटिविटी पॉइंट किए वो हम उनको आउटकम करके, उनको बंद करके हम भविष्य के लिए अपना स्वप्न बना सकते हैं, अपना सुंदर भारत या कोई भी किसी भी इतिहास के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इस कथन से मैं सहमत हूँ सर। अनुपम जी, जी सर, अनुपम शब्द का क्या अर्थ सर? अनुपम का मतलब अनोखा या अद्वितीय होता है सर। है? अपने दो ऐसी प्रतिभाओं के बारे में बताएं जो आप में ऐसे हों जो सामान्यता नहीं पाए जाते लोगों में। सर एक तो मैं डाटा बहुत जल्दी याद कर लेता हूँ, मतलब कोई भी पॉइंट दिखा जनगणना का या किसी हिस्ट्री का डाटा, और दूसरा सर मैं बहुत जल्दी हतोत्साहित नहीं होता हूँ, मतलब किसी भी चीज़ को अगर पाने की इच्छा है तो मैं लगातार प्रयास करने का रखता हूँ सर। वादा रखते हैं जी बहुत अच्छी बात है, इस मुद्दे को भी हमें अभी आप जरूर कह रहे करना। थे इतिहास को रीराइट करना चाहिए, जी सर, आपको ये नहीं लगता ये जोखिम भरा खेल है? सर इतिहास की रीराइट का मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो इतिहास जिन लोगों का नहीं लिखा गया है, इतिहास तो नहीं लिखा मतलब पूरे इतिहास को रिवाइज नहीं करना है, जैसे हम क्योंकि देख कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। आपने अभी जी जिन राजाओं को महान बता रखा है जी शायद जी तथ्य जी विकृत हो जाए, जी और उस समय जो द्वंद्व फैलेगा जी उसे आप संभालने की स्थिति में होंगे? क्योंकि आप देखिए ये जी पठन पाठन का हिस्सा है, जी आप जी बच्चों को और आगे वाली पीढ़ियों को कुछ संदेश क्या देंगे अगर इस तरह की विकृतियां उत्पन्न हो जाए? मैंने आज तक किसी को जी अपना आइडियल मान रखा है, जी वो तो धराशायी हो जाएगा। तो सर, इस तरह की विकृतियों को कैसे हैंडल करेंगे आप? सर इतिहास में चूंकि अभी हमारे जो इतिहास बेसिक लिखा गया था वो या तो कैम्ब्रिजवादियों ने या जो अन्य स्कूल से लिखा, और हमारा जैसे साउथ इंडिया छूट गया पूरा, नॉर्थ ईस्ट का इतिहास पूरा छूटा हुआ है, पर्यावरण के मजर से हम कुछ लिखा नहीं, हमने कुछ लैंगिक हिसाब से लिखा नहीं, कुछ ऐसा जो SC है ST है जो आदिवासी हैं बनवासी हैं उनका इतिहास, हमारे इतिहास में अधिकांश इतिहास जो हमारा है वो नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित है, दक्षिण भारत इतना एक वैदव भी लिए हुए है, इतना विस्तृत लिए हुए हैं, उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ का भी इतिहास नहीं, तो ऐसा कुछ पॉइंट आना चाहिए कि इनका भी वर्णन इतिहास में मिले और ये लोग भी अपने आप को, इसकी बात की जा रही है सर। ये जो न्यू एजुकेशन जी पॉलिसी है इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? अभी की व्यवस्था कैसी है कि उसमें इस तरह की एक परिवर्तन को और हर चीज़ नया करने की जरूरत पड़ रही है? सर क्या बुराइयां हैं, क्या खामियां रह गई सर इतने जो 70 हमारी साल में? शिक्षा व्यवस्था है बेसिकली 1986 के बाद से अभी नई शिक्षा नीति नहीं आई थी, और एक तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किताबी ज्ञान पर फोकस ज़्यादा कर रही थी, जबकि वर्तमान में सर जो समय चल रहा है वो कौशल युक्त विश्व का है, और हमें कौशल युक्त चाहिए, व्यवसायिक युक्त शिक्षा चाहिए, इसलिए जो नई शिक्षा नीति है उसमें कौशल का ध्यान दिया गया है, और साथ साथ हम मतलब बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर के उनके व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा दें, उनका संपूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, चाहे उसमें कौशल युक्त भारत की कैसे? बात सर उसमें जो उन्होंने बात की है, जो सिस्टम पहले 10+2 वाला था अभी 5+3+3+4 किया गया, तो शुरुआत में जो हम देंगे बच्चे को क्लास 2 तक जो 5 है मतलब 3 साल पहले है प्री, और उसके बाद कक्षा 1-2 तो 5 साल वो हो गए, और उसके बाद 3 साल जब देंगे तो उसमें कौन सी भाषा में पढ़ाएंगे बच्चों इसमें को? जो सर शुरुआत की बात की जा रही है वो सर उनकी जो क्षेत्रीय भाषा यानी कि जो उनकी मदर टंग होगी उसमें बात की जाएगी, इवन कक्षा 5 तक हम मातृभाषा में पढ़ाएंगे, और हो सकेगा तो कक्षा 8 तक मातृभाषा में, और आगे भी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने अच्छा, का मैं प्रयास आपको करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। जी उत्तर प्रदेश प्राथमिक रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र जी है, वहाँ के बच्चे अगर आप भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे जी तो बच्चे इस कारण कई बार पिछड़ जाते हैं कि उनका माध्यम हिंदी है। बिल्कुल
तो अगर आप मान लीजिए इसी परंपरा को आगे बढ़ाते जी रहेंगे तो आप तो उत्तर प्रदेश के प्रशासक बनने के बाद भी कुछ ज़्यादा योगदान नहीं करा पाएंगे उत्तर प्रदेश की प्रगति में राष्ट्रीय स्तर पर। सर ऐसा नहीं लगता कि एक एक दुविधा की स्थिति बन गई है यूपी के लिए विशेषकर? अभी वर्तमान में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि सरकारी कार्यालयों में नहीं, वही तो कमजोरी बन गई यूपी की। नहीं सर हिंदी हिंदी ही तो कमजोरी बन गई। अगर वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते जी हैं जी तो वही बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी उसका ओवरऑल सर अपब्रिंगिंग और एक्सपोजर बहुत अच्छी रहती है। तो हिंदी कहीं एक अवरोध के रूप में कार्य तो नहीं कर रहा? नहीं सर हिंदी अवरोध के रूप में काम नहीं कर रहा। हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश सीखने पर मना नहीं किया गया, इंग्लिश भी सीखेंगे, लेकिन बेसिक क्या है कि जो मातृभाषा में हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सहज हो सकते हैं, वो इंग्लिश के साथ नहीं हो सकते हैं। तो जो शिक्षा नीति उसमें ये कहा गया है कि क्लास 8 तक आप दें, उसके बाद आगे आप चाहे संस्कृत में चाहे इंग्लिश में किसी भाषा में दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ, लेकिन जो प्राथमिक है जैसे हम अन्य अच्छा चलिए जी सर सम्मान और ज्ञान जी प्रशासनिक सेवाओं के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ जुड़ी है जो लोगों को आकर्षित करती है वो है सम्मान जी। और आप एक शिक्षक हैं जी जो जिसका निहितार्थ ही है ज्ञान जी, तो ये जो ज्ञान और सम्मान इनमें से आपने सम्मान को प्रश्रय दिया है ये मैं कह रहा हूँ जी, क्योंकि आप चूंकि प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम ज्ञान को एक निचले पायदान पे और सम्मान को एक ऊंचे पायदान पे रख रहे हैं? सर मैंने ज्ञान को ही प्रश्रय दिया है क्योंकि ज्ञान का जहाँ पर मैं था वहाँ पर भी सम्मान भी मिलता है, और ज्ञान भी जिस मैं पोस्ट पे कार्यरत हूँ वहाँ पर भी सम्मान, प्रोफेसर का भी सम्मान सर अपने आप में एक बहुत बड़ा माने रखता है। और ज्ञान तो है, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में भी आऊँगा तो अपने ज्ञान के साथ साथ सम्मान को भी लेकर आऊँगा, तो दोनों को साथ लेकर चल रहे। मैंने ऐसा तो नहीं वहाँ, किया कि वहाँ है ही, तो फिर यहाँ बदलाव की क्यों जरूरत? हाँ सर बिल्कुल सर, वहाँ पर चूंकि एक स्पेशल क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, और प्रशासनिक फील्ड में चूंकि मेरा मैं बचपन से भी इसको देख रहा था, और यहाँ पर आकर के मैं शायद कुछ बेहतर अन्य क्षेत्रों में कर पाऊंगा जो शिक्षा व्यवस्था के साथ मैं सिर्फ एक कॉलेज में कर पा रहा था। हो सकता है उस तहसील लेवल पर 2-4 ऐसे कॉलेज जहाँ पर मैं जा करके कुछ बेहतर करने के या उनको मार्गदर्शन देने की स्थिति में। कानपुर जी सर की क्या स्थिति है जहाँ तक हम प्रशासनिक स्तर की बात करें तो वहाँ का प्रशासन का स्तर कैसा है? आपको क्या लगता है अगर 10 के स्केल पे मुझे रेटिंग करनी हो कानपुर को, आपको करने का मौका दूँ तो आप कहाँ पे रखेंगे 10 के स्केल पे कानपुर को, और क्यों रखेंगे जो नंबर आप दे रहे हैं? जी सर कानपुर अभी प्रशासन के स्तर पर बेहद अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कमिश्नरी सिस्टम भी लागू कर नहीं, दिया। 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में सर लगभग 7 नंबर दूंगा सर। और 3 नंबर क्यों काटेंगे? सर अभी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको बेहतर करना है, जैसे कि जो हमारी जन सुनवाई का माध्यम है, या ग्रामीण में कुछ जैसे अभी मैं गया था एक दिन पहले तो कुछ जैसे राशन कार्ड वगैरह है उन सब में कुछ लोगों को मतलब प्रॉपर नहीं मिल पाता, या कुछ थाने वगैरह में कुछ 24 घंटे में अवेलेबल नहीं होते, वापस आ जाते हैं लोग, इस तरह करके देखने। अच्छा एक आखिरी सवाल जी सर, फरुखाबाद जी सर वहाँ के सांसद कौन है? सर माननीय मुकेश राजपूत जी हैं। अच्छा फरुखाबाद की कुछ सिग्निफिकेंस बताएंगे? मैं तो जी सर फरुखाबाद को सर मोहम्मद खां बंगस ने बसाया था, फर्रुखसियर के वो सामंत रहे हुए थे तो फर्रुखसियर के नाम पर ही फरुखाबाद रखा। और कानपुर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर हुआ सर, है ना? जी सर ऐसा क्या कारण रहा कि कुछ दशक में प्रमुख औद्योगिक शहर से एक पिछड़ा शहर बनकर गया? सर ये बात बिल्कुल सही है सर कि 1947 उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो कानपुर हमारा बहुत डेवलप सिटी था, इवन मतलब बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पर और बहुत लोग यहाँ पर काम करने आते थे जीविकोपार्जन, लेकिन उसके बाद सर कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक शिथिलताओं ने कानपुर शहर को आज इस हाल पे लाके खड़ा किया कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ यहाँ से जा रही। दूसरा सर बीच में एक हमारे शहर में मार्क्स का वो जो श्रमिक आंदोलन चला, उस आंदोलन में आए दिन हड़तालें हुई जिससे क्या हुआ कि फैक्ट्री मालिकों का विश्वास वहाँ से उठ गया और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ उधमपुर, रुद्रपुर, देहरादून शिफ्ट कर ली। तो कानपुर में एक तो विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई पाई उस दौरान, और ये जो श्रमिकवादी हड़तालें ज़्यादा करवाईं उसका भी नुकसान पड़ा सर उस पर। अच्छा तो मार्क्सवादी मूवमेंट वहाँ पर पॉपुलर क्यों हो गया? सर चूँकि मार्क्स श्रम की बात करता है तो कानपुर में बड़ी मात्रा में श्रमिक थे, बंगाल से, बिहार से, हमारे यहाँ चाहे एनगिल मिल रही हो, कॉटन मिल रही, जितनी मिले थे उन सब में लगभग 1 लाख के आसपास श्रमिक काम करते थे, अन्य राज्यों के भी और पूर्वी यूपी के भी। तो श्रमिकों को चूँकि एक दो बार उन्होंने मूवमेंट किया तो उससे क्या हुआ कि श्रमिक की जब बात की तो श्रमिकों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया आए दिन हड़ताल से, आज ही जाकर फैक्ट्री वालों ने फिर वहाँ से अपना पलायन करना शुरू किया, और निश्चित रूप से हमारे शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। हाँ ये बात अलग है कि अब उसकी जगह पर हमने फिर से तरक्की की है और हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में छोटे छोटे ऐसे फैक्ट्रियाँ आ गई हैं जो फिर से उनको जॉब देनी पड़ी। अच्छा अगर फिर से इसको प्रमुख औद्योगिक शहर जी बनाना हो जी तो
आपके पास कोई रणनीति है? हाँ सर, अगर इसको फिर से वही दर्जा देना हो कि हम कानपुर को भारत का मानचेस्टर, उत्तर भारत का मानचेस्टर कह सकें, तो एक तो कानपुर में सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए, और हमारे पास एक कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है कानपुर में, जो कि कानपुर से बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है और बड़ी मात्रा में व्यापारी भी रहते हैं, तो उसके लिए या तो लखनऊ जाना पड़ता है या फिर हमें दिल्ली आना पड़ता है। तो एक तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, दूसरा उसके लिए जो लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था हो गई है, 24 घंटे हमारे कानपुर में लाइट मिलती है जो इंडस्ट्रियल एरिया फन की दादानगर वगैरह है। लेकिन साथ साथ दूसरी बात यह है कि कुछ विशेष प्रयास इंसेंटिव दिए जाएँ जो छोटे हमारे फैक्ट्री मालिक्स हैं, ताकि जैसे सेज जैसी व्यवस्था कुछ की जा सके, और उसके बारे में कुछ कौशल जो कुशल भारत मिशन भारत सरकार चल रहा है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी निकाले जाए वहाँ पर, ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप का हो और उनको विशेष जानकारी हो, नॉलेज दी जाए, और जो फैक्ट्री मालिक हैं उनसे भी एक खासतौर से जो नई शिक्षा नीति में हमने कॉलेज को जोड़ा है इंटर्नशिप के माध्यम से, उनमें से उन फैक्ट्रियों को कॉलेज के माध्यम से सीधे जोड़ दिया जाए, ताकि कुछ दिन वो वहाँ पर 4-5 महीने तक अपनी ट्रेनिंग लेकर के अल्टीमेटली उस जॉब को प्राप्त करें और कानपुर फिर से हमारा उस स्टेज में आए कि हम गर्व से कह सकें कानपुर में। लेकिन उत्पादों में जी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है सर। एक तो गेहूँ, गन्ना, चीनी, दुग्ध उत्पादन, आम के उत्पादन में, आंवले के उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में, सर मेरा ऐसा मानना है कि सभ्यता का विकास संस्कृति का पतन नहीं करता है। जैसे हाँ सर, सभ्यता का विकास संस्कृति के पतन में सहायक नहीं है। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता की बात की, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ तो हड़प्पा का पतन उस सभ्यता के विकास से नहीं हुआ, उसके कारण पर्यावरणीय कारण या भौगोलिक कारण या जो भी बाढ़ या भूकंप जो भी कारण थे उसकी वजह से हुआ, ना कि हड़प्पा के इतने डेवलप होने से। उसका तो हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो नगरी सभ्यता इतनी बढ़िया थी उसका एग्जांपल आज हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लेकर के आ रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। हड़प्पा के जितने भी हमने घर देखे, सड़कें बनी, जो बाजार मार्केट, उसको आज हम पूरा भारत में पूरे सिंगापुर तक के मॉडल में इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। वैदिक काल के जो भी हमारे सभ्यता के उन्नत स्रोत थे वो सर, सभ्यता जो है वो एक सर्वभौतिक व्याख्या है और संस्कृति एक आध्यात्मिक, मतलब सभ्यता मानव समाज जो भी सभ्यता में कोई हम उच्चतम स्तर देखते हैं, संस्कृति जो हमारे आत्मिक और उसको सौंदर्य को प्रदर्शित करती है सर। गांधी के आंदोलनों की बात करें, चाहे असहयोग आंदोलन सर, अवज्ञा आंदोलन हो, खिलाफत हो, भारत छोड़ो आंदोलन सर, इन आंदोलनों में कोई संबंध आप देखते हैं? सर गांधी जी के जो भी मूवमेंट रहे हैं उनमें एक संबंध है, किसी भी संबंध में, जैसे सबसे पहले चंपारण से फिर खिलाफत में, तो एक स्टार्ट लेवल से लेकर के गांधी अपने चरम मूवमेंट को भारत छोड़ो तक ले गए, और धीरे धीरे उसमें जन भागीदारी और विभिन्न वर्गों की जो भागीदारी वो बढ़ती रही है, और उसका परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिला। तो प्रारंभ में गांधी का जो वैचारिक और दृष्टिकोण था जी सर, और भारत छोड़ो आंदोलन पर जब वो पहुंचा जी, उसमें क्या अंतर देखा जाता है? सर वैचारिक दृष्टिकोण से गांधी जी ने शुरुआत से लेकर अंत तक अपने सत्य अहिंसा का पालन उन्होंने किया है, और ऐसा नहीं कि गांधी जी ने अपनी विचारधारा छोड़ी, ये बात अलग है कि समय के साथ कुछ परिस्थितियां बदली तो वो समय के साथ उन्होंने अपने आप को ढाला। ये गांधी की सबसे बड़ी सकारात्मकता है कि गांधी को कोई जिस रूप में देखना चाहता है गांधी उसी रूप में उनको दिखते हैं, चाहे वो किसान के रूप में देखें, चाहे उनको व्यापारी के रूप में देखें या छात्र के रूप में देखें। जी सर, गवर्नेंस में बड़ी सख्ती प्रयोग की जा रही है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जा रहा है, इसको लेकर बाहर जो है कहा जा रहा है कि वहां डेमोक्रेसी वो नहीं है और एक तरह से फासिस्ट शासन जैसी स्थिति है। आपको क्या लगता है ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड पर गठित किया जाना, बुलडोजर नया जैसी बात करना, ये ठीक है? सर पहली बात तो सर ये फासिस्ट नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार है वो लोकतंत्र द्वारा जनता द्वारा चुनी हुई है, तो जो भी निर्णय वो ले रहे हैं उसका हमने एंटी रोमियो स्क्वाड, चूँकि 2017 के चुनाव से की जब पहली बार सरकार आई थी तो गठित किया गया था, और उसके बावजूद भी फिर से 2000 रिपीट की सरकार ने, तो इसका मतलब कि लोगों ने उसका समर्थन किया। दूसरी बात सर, जो बुलडोजर वाली घटना है वो किसी किसी केस में ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में सर उसका भी एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, पहले उनको जांच दी जाती है, उनको मौका दिया जाता है उन व्यक्ति को कि आप 30 दिन के भीतर या 3 दिन के भीतर हाजिर हुई, जैसे कुछ भी घटना है, अल्टीमेटली जब नहीं होती तब इसको, लेकिन हर जगह इसका प्रयोग करना सही नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र है और संविधान भी है और कोर्ट भी है, तो कोर्ट के माध्यम से अगर ये प्रयोग किया है तो ज़्यादा बेहतर। कानपुर में घटना हुई, यस सर, आपको याद हो गया, इनको जलाएं, जल गए, मर गए। जी सर, किसका दोष था भाई? अगर वो गलत कर रहे हैं और उन्होंने अपने को आग लगा ली तो फिर प्रशासन को
बहुत सारे मीडिया और ट्रायल मीडिया शुरू हो गया और दोषी दिया जा रहा है सर, ना? जी सर, लेकिन ये भी सही है कि सेंसिटिवनेस नहीं दिखाई। अगर वो काम नहीं करते तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस लैक ना था, क्योंकि भाई वो थे तो अतिक्रमण वाले ही। जी सर, किसको इसमें कहाँ देखते हैं और आप होते तो क्या करते हैं? सर पहली बात तो सर इसमें प्रशासनिक संवेदनहीनता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर आप गए भी थे तो पहले उनसे बात करनी चाहिए थी और कुछ समय देना चाहिए था, 2 या 3 दिन मतलब जाकर तत्काल बुलडोजर लेकर के झोपड़ी पर गिरा देना, ये किसी भी स्तर से सही नहीं है। मतलब मानवीय मूल्यों के खिलाफ भी है, संवैधानिक मूल्य भी, हमारे संविधान भी कहता है कि हम कल्याणकारी राज्य हैं, तो हमारा अल्टीमेटली ध्येय तो उन व्यक्तियों का कल्याण करना, ना कि उनको तोड़ना। तो उनसे बात करते, उनके लिए कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के हिसाब से कुछ निर्माण देते, तब ऐसा करते। ये वास्तव में सर असंवेदनशीलता का एग्जाम्पल है। थैंक यू सर। क्वेश्चन पे आ गया जी, तब तो आपके छक्के हैं, नो वन कैन, आप मटेरियल यूपीपीसीएस के नहीं, आप यूपीएससी के मटेरियल है, बातचीत में, इंटरव्यू में। थैंक यू सर। जी सर, कंट्रोवर्शियल इश्यूज हो, ऑपरेशन हो, प्रत्यक्ष इश्यूज हो, कॉन्ट्रडिक्शन में कैसे बचना है, यू नो इट वेरी वेल, वेरी इंफॉर्मेटिव।